वहीं नोएडा में रेस्टोरेंट कारोबारी के नाबालिग बेटे कुणाल शर्मा की हत्या के मामले में अब परिजनों ने पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर गंभीर आरोप लगाए। नोएडा में शिवा द ढाबा चलाने वाले कृष्ण कुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए सीएम योगी से अब इंसाफ की गुहार लगाई है। मृतक कुणाल के पिता ने कहा कि मैंने पुलिस से कहा कि सचिन बच्चा है, नाबालिग है, इसे इतना मत मारो, वो हत्या नहीं कर सकता। फिर भी पुलिस ने उस पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया। मनोज ही दोषी है, ऐसे में जो मेरे भतीजों और बच्चों के खिलाफ पुलिस कर रही है उस पर क्या कार्रवाई हुई? ऐसे पुलिस वालों को फूल माला पहनाई जा रही है। आगे क्या कहा इस वीडियो में सुनिए। भाइयों, जो कहना चाहता हूँ, जो मेरे समाज के भाई हैं, कि मेरे दुख में तो मेरे पास बैठने आए नहीं, हमारी कमिश्नर मैडम को फूलों की माला पहनाई जा रही है, उन्हें गुलदस्ता दिए जा रहे हैं, तो ये समाज का अच्छी बात नहीं लगी। अरे मेरे दुख में आते, मेरी पीड़ा पूछते, अरे कमिश्नर ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जो हम उसे फूलों के गुलदस्ता देते? अरे मेरा तो बेटा चला गया पुलिस प्रशासन, कि हमारे मुख्यमंत्री ने यही लिया तो हमारी सुरक्षा के लिए सोच रहा था। इस जिले में चार बच्चे उठे, चारों बच्चों का मर्डर हुआ, ये पुलिस प्रशासन कहाँ फूल देने लायक, कहाँ माला पहनाने लायक काम कर रहे हैं? तो मेरी तो यही अपने समाज से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों को बढ़ावा ना दो। ये हमारे समाज में हमारी रक्षा के लिए हमारी सरकार ने भेजे है कि जो ये रक्षा जो एक जिले में जहाँ 6 IAS हो, 22 PCS हो, 6,000 पुलिसकर्मी हो, 4 बच्चों को नहीं बचा पाए। अरे उन माँ बापों के दिल से पूछो जिनके बेटा गए हैं, फूलमाला देते तो ये फूलमाला देने की बात ही, ये फूलमाला देने वाले उनके घर तक ना पहुंचे। अथवा हमारी जो कमिश्नर है वहां फूलमाला दे रहे हैं, हमारी कमिश्नर मैडम इनाम दे रही है कि अपने अधिकारी ने तुमने इनाम का काम कर दिया, जो एक पीड़िता के कहने से दोषी भी ना उठाए गए, उसका बेटा भी ना बचाया गया। अगर उस पीड़ित की सुन लेते ये लोग तो ऐसे कहा आज उसका बेटा जिंदा होता, आज अपनी बहनों पर राखी बंधवाता। ऐसे दोषियों को कभी माफ ना करना चाहिए। मैं इन अधिकारी को भी अपना दोषी मानता हूँ, ये सब अधिकारी मेरे दोषी है। एक जिले में डीएम मंदोबर पूरे जिले को देख रहा है, मेरे दुख की घड़ी में मेरे घर तक मुझसे मिलने नहीं आया। तो मैं यही आज जो कर निवेदन हूँ कि मुख्यमंत्री जी मेरी पीड़ा सुनने के लिए वो 2 मिनट का टाइम दे दो। मेरी आज जो कर निवेदन है।